हे गाइस नमस्कार, मैं मीनू गुर्जर। आज से आपको अपनी डेली लाइफ के बारे में थोड़ी अपनी जो भी है डेली रूटीन में वो बताया करूँगी, वो सब शेयर किया करूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू व्लॉग। और प्लीज़ सुबह 11 o'clock पे मेरा व्लॉग डेली आया करेगा, सो आप प्लीज़ देखा करें। ये है मेरा किचन, मैसी हो रहा है थोड़ा, अब भी इसे क्लीन करती हूँ। ये लो, क्लीन हो गया। अब हम मेरी बेटी का वेट करेंगे, 1 बज गया है, वो आने वाली है, रिक्शा से आती है वो। रिक्शे वाला थोड़ा लेट कर लेता है। और लेट कैसे हुई, कब से वेट कर रही मैं? मुझे गली में खड़े रहना पड़ता है क्योंकि बहुत कुत्ते आते हैं, तो उनसे भी कहीं ये डर ना जाए। अभी अपना डेली रूटीन बताएगी, आज स्कूल में क्लास में ये हुआ वो हुआ सब, स्टार्ट में गली से ही स्टार्ट कर देती है। तो ये सॉक्स फेंकेंगे कहीं पे, कहीं पे अपनी यूनिफॉर्म फेंकेंगे, कहीं पे शूज मिलेगा, कहीं पे बैग मिलेगा, एक एक करके सब इकट्ठा करना पड़ता है। फिर उसे एडजस्ट करो, पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है इनको एडजस्ट करते करते। मेरा जरा सा घर है उसमें भी मुझे पूरा दिन लग जाता है, सफाई में, काम में, इनको मैनेज करने में, इनके होमवर्क में, खाना खिलाने में। खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहती। ये है मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम हिताक्षी है, सॉरी मैं छोटी बेटी का नाम ही बताना भूल गई, उसका नाम ऋषिभा है। अभी आई हैं, अब ये अपना बताएंगी आज ये हुआ वो हुआ। इन्हें डेली लंच अलग अलग चाहिए, डेली इनकी डिमांड है मुझे, लंच में ये दे दो वो दे दो, खाना रोटी नहीं चाहिए। ये अब हैंड वॉश करेंगी। ये देखो मैंने जो बताया था आपको, ये लग गई अपने किचन में, ये बनाए नूडल्स और ये रख दिया पॉपकॉर्न बनने के लिए। अब पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने अपना काम चालू किया, चॉपिंग करी थी, चॉपिंग करने के बाद मैंने नूडल्स को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। ये नूडल्स बनके तैयार हो गए जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड, ये भी आ गए, ये भी आ जाते हैं। 1 बजे छोटी बेटी, बड़ी बेटी 2 बजे, और 3 से 4 के बीच में मेरे हस्बैंड मोस्टली आ ही जाते हैं इस टाइम पे। अब हमारा टीवी स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही हस्बैंड आ जाते हैं टीवी स्टार्ट हो जाता है, और ये चल रहा है भाभी जी घर पर हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मोस्टली सबका फेवरेट होगा ये, हम सभी देखते हैं। देखते देखते हमको नींद आ गई, 4 बजे का टाइम था, 4 बजे मेरी बेटी बड़ी बेटी ट्यूशन चली गई थी, हम लोग भी चाय भी रखी थी यहाँ पे, चाय रखी रखी डॉक्टर साहब हमारे सो जाते हैं। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड वेटनरी डॉक्टर है, तो हम डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं। छोटी बेटी शाम के 8 से 9 बजे का टाइम रहा होगा इस समय पे, और हम लोग आपस में ये कचरा इनके हाथ में है, उन सबसे रेफर छोटी थी, वो बोलने के रेफर फेंका करो डस्टबिन में। अभी हम गुड नाइट बाय।